प्रदेश सरकार के द्वारा 52,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती की घोषणा कर दी गई है। बता दें, पूरी डिटेल्स में जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आवेदन कब से होंगे, इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, सारी कुछ डिटेल्स में बात करने वाले हैं। नौकरी पाने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आपको बता दें, जो कि 52,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से ये मामला चल रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल में नौकरी का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 52,000 पदों पर भर्ती के शासनादेश जनवरी में जारी हो गए हैं। बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटर पास होना चाहिए, और जहां पर रिक्त पदों की बात करें तो एक ग्राम सभा में एक लोगों का आवेदन मान्य होगा, यानी कि एक गांव से एक लोगों का सिलेक्शन होगा। अब फॉर्म चाहे जितने भरें उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिलेक्शन एक ही लोगों का होगा एक गांव से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2012 के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। लगभग 10 साल बीत चुके हैं और अब 10 साल बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता पहले हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल इसमें संशोधन कर दिया गया और शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट कर दी गई। कार्यकर्ती के कुल 189,897 पद स्वीकृत हैं। इनमें से करीब 52,000 पद जो है देहांत होने के बाद खाली चल रहे हैं, यानी कि लगभग जो पद हैं वो जितने भी खाली हैं सभी भरे जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती के इंतजार करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। सरकार की तरफ से ऐलान हो चुका है, जनवरी माह में इसका शासनादेश जारी करके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि जनवरी का महीना चल रहा है और आवेदन भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आवेदन आपको कब से करना है। हालांकि सरकार ने अभी ऑफिशियल सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि 52,000 पदों पर नए साल में भर्ती होगी, बट उन्होंने ये डेट नहीं बताया है कि डेट आपको जो है कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको जल्द ही घोषणा होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि पल पल की खबर आप पाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।